रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेव पार्टिकल डुअलिटी। अब क्या होता है इसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब प्रीवियस जितने भी हमने पढ़े हैं टॉपिक्स उनको मार्च आउट करेंगे और उनसे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें फोटोन की, तो प्रीवियस हमने फोटोन की दो नेचर देखी। जितना अभी हमने लाइट भी हमने अभी तक डिस्कस किया, तो हमने ये देखा कि लाइट जो है वो एज अ वेव बिहेव करती है। तो वो कुछ पैटर्न से पता चलता है कि जो लाइट जो है लाइट है वो एज अ वेव बिहेव कर रही है जब वो डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज रखती है, जब वो डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज रखती है। तो हमने वो पार्टिकल जो है, लेकिन उसी लाइट की जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी हमने ऑब्जर्व की कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो तीन इफेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे, जिनमें पहला है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन। तो हमने इसमें पार्टिकल नेचर को डिस्कस किया था कि ये पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। तो सेम इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल बिहेव करता है, तो हमें पता चलता है कि ये किसने बताया, जे जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जिसमें उसने चार्ज टू मैस रेशियो को फाइंड किया था। तो तब हमने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल कंसीडर किया था। बट जो प्रीवियस टॉपिक हमने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी स्टडी की, इट मीन्स दैट कि हमें जो सिंपली ये पता चला कि एक तो हमारे पास लाइट एक रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मैटर है, कि आपकी जो रेडिएशंस और मैटर दोनों जो है वो क्या है कि वो वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। दिस इज आ सिंपली नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि हमारी रेडिएशन वेव नेचर भी रखती हैं और पार्टिकल नेचर भी रखती हैं। हमारा मैटर वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी। तो उसके एक चीज़ तो यहाँ पर हो गई कि इसके जो पार्टिकल जो इसके जो पार्टिकल भी एक चीज़ तो यानी कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने इसके अलावा, तो साइंटिस्ट का नाम था दैट वाज नील बोर। ये एक अपने टाइम का बहुत फेमस साइंटिस्ट था, उसने बहुत सी जो है डिस्कवरीज फिजिक्स में की। इसने एटम के स्ट्रक्चर को अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके अलावा इसने एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया फिजिक्स में, वो था कंप्लीमेंट्री प्रिंसिपल। और उसके जो है अकॉर्डिंग एक बात एक्सप्लेन की कि किसी भी रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए उसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का पता होना ज़रूरी है। इसी मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है दोनों का पता होना ज़रूरी है। तो ये थी अजम्पशन ऑफ नील बोर की अजम्पशन। बट होता क्या है कि एक ही टाइम में कभी भी दोनों वेव नेचर का नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि अगर हम जो है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की एग्जांपल ले लें, तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग करवाते हुए हम अपनी जो लाइट कि सिर्फ एक नेचर देख सकते हैं वो वेव नेचर है, देखेंगे कि तब हमें पार्टिकल नेचर पता चलेगी। अब देखें कि सेम ऐसे ही जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन में एक्सपेक्ट होते हुए हम एक रेडिएशन की पार्टिकल नेचर तो देखेंगे, लेकिन उस टाइम हमें उसकी वेव नेचर का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो सेम ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर लेते हैं, तो जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बिहेव नहीं कर रहा, और उस सेम जो ऐसे जर्मर में भी पार्टिकल लाइक बिहेव नहीं कर सकता। तो वो तो सिर्फ वेव लाइक बिहेव करता है, किसी भी पार्टिकल की वेव नेचर और पार्टिकल जो है नेचर इकट्ठे नहीं निकाल सकते, पार्टिकल और वेव नेचर को इकट्ठे नहीं निकाल सकते, किसी भी रेडिएशंस की भी पार्टिकल और वेव नेचर को इकट्ठे स्टडी नहीं कर सकते। तो ये था हमारा आज का जो है टॉपिक, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।